हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं लाइव रिलीफ पेंटिंग लेकर। आज हम आपको रिलीफ पेंटिंग बनते कैसे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई उसके बारे में आपको बताएंगे, इसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और इसके अंदर में जो भी बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं रिलीफ पेंटिंग, जो भी मार्केट में काफी ये चल रहे हैं, हम उसके बारे में हम आपको जो हिडन बातें हैं जो अब तक आपको कहीं भी रिलीफ पेंटिंग के बारे में सुनने को जानने को नहीं मिला होगा, वो हम अभी आपके सामने इसकी जानकारी भी देंगे, और इसको बनाते कैसे हैं ये सब हम आपको जानकारी देंगे। तो हम आज जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं रिलीफ पेंटिंग जो बोलते हैं वो ये है, आप देख सकते हैं ये रिलीफ पेंटिंग है। ओके, आप देख सकते हैं रिलीफ पेंटिंग ये। अब हम रिलीफ पेंटिंग के बारे में आपको हम विशेष तौर से आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि रिलीफ पेंटिंग की उत्पत्ति हुई तो कहां से हुई, किसके द्वारा हुई, और इंडिया में ये सबसे पहले लाया कौन। तो हम शुरू करते हैं रिलीफ पेंटिंग के बारे में। ओके, तो रिलीफ पेंटिंग आप लोग लाइन पे बने रहेंगे। ये पहले हम रिलीफ का डेफिनेशन जानते हैं कि रिलीफ पेंटिंग जो है ये आई कहां से। ओके, रिलीफ मतलब होता है, रिलीफ का मतलब अगर ये इसको हिंदी में देखा जाए तो आराम इसको बोलते हैं, और रिलीफ जो शब्द है ये ग्रीक का लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है इम्बोज करना, और जो रिलीफ है एक स्कल्पचर का ही एक पार्ट है, ये अंश है, उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको बनाया है। और ये जो पेंटिंग है ये बाहर से आया है, और इस पेंटिंग को लोग इसको पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं, ये पर्शियन आर्ट है, इसको पर्शियन आर्ट बोलते हैं, और ये ईरान का आर्ट ईरानी चित्रकला। ओके, तो जो ईरानी चित्रकला है जो वो पूरी दुनिया में काफी फेमस है, वो फेमस है ईरानी चित्रकला अपनी ऐसे ही नक्काशी को लेकर। ऐसे ही आप देखे होंगे हमारे कश्मीरी वो कालीन होते हैं, उसको अच्छे अच्छे उसमें बटर आपको मिलेंगे, और ऐसे आपको मिलेंगे आपको डिजाइन। तो कुछ हम आपको डिजाइन दिखाने जा रहे हैं इस पेंटिंग से जो काफी प्रचलित है। आप देखेंगे कि यही डिजाइन ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, आप देख सकते हैं सेम ही है, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको बनाना शुरू किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसका बना दिया। ये सब जो हम जो बता रहे हैं ये जो डिजाइन है ये कॉमन है पूरे मार्केट में, आपको हर एक आर्टिस्ट इसको बनाने की कोशिश करता है, बनाता है वो। लेकिन इस पेंटिंग की जो शुरुआत आज से 14 साल पहले दिल्ली में ही हुई थी, उस आर्टिस्ट का हम आपको नाम बताते हैं, वो आर्टिस्ट हमारे वो मित्र थे, उनका नाम है मिस्टर निवास शर्मा जो हैदराबाद के थे।
वो लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ऐसे पेंटिंग का अपना नाम बोल रहे हैं कि ये हमारा अपना काम है, इंडिया में हम फर्स्ट बार लेकर आए हैं, 30 साल से इसको हम अपना वर्क मान रहे हैं, वर्ल्ड में ये हमारा काम है। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसमें जो रियल आर्टिस्ट का नाम इसमें हिडन है, वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे पेंटिंग की शुरुआत आखिर हुई तो कैसे हुई। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 14 साल 14 वर्ष पहले मिस्टर निवास जो हैदराबाद के हैं, उन्होंने इसका इजाद किया। अब इजाद उन्होंने कैसे किया ये भी हम आपको बताते हैं। ये ईरानी चित्रकला है और कुछ जो कालीन है, टेक्सटाइल के जो होते हैं डिजाइन, उनसे ये प्रेरित होकर इन्होंने इस डिजाइन को क्रिएट किया। और ये जो भी डिजाइन है आपको बोल रहे हैं, ये मिस्टर निवास का ही डिजाइन है वो, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कोई डिजाइन बनाया ही नहीं। जब बनाया नहीं तो मार्केट में आया नहीं वो, लेकिन लोगों ने इसको अपना डिजाइन बोलकर मार्केट में खूब इसको बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए इस बात को हम सामने रखे हैं कि ताकि आपको पता चलना चाहिए कि ये पेंटिंग आई तो कहाँ से आई, इसकी वो है वो, क्योंकि आर्टिस्ट को बताना जरूरी है। अगर मोहम्मद रफी साहब ने कोई गाना गाया है और उसको आकर कोई और कलाकार वो गा दे, तो उस कलाकार का वो गाना नहीं हो जाता है, वो रफी साहब का ही गाना कहलाएगा। ठीक है, तो ये है, ये आप देख सकते हैं एक कलर में, ये देखिए दो कलर में, इसमें हल्का 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 चेंजिंग है, तीन कलर में, चार कलर में, ये अलग है, ये है फिगर वर्क है, ये देखिए ये भी है, ये सब उनके बनाए हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट आपको हम आपको करना चाहेंगे कि मैं अपने पेज पे जो भी फोटो अपडेट करता हूँ वो मेरे बनाए हुए हैं। अगर मैं चाहता तो ये फोटो भी अभी डाल देता, ये भी डाल देता, है ना, ये भी डाल देता। मैंने बहुत सारे पेंटिंग बनाया है ऑर्डर बेस पे जो मैंने बेचा है, और लोगों ने उसका अच्छा काम देखकर अपने पेज पे लगाया है, उसको अपने आप को ऑनर माना है कि ये हमारी पेंटिंग है, और उससे उन्होंने अपने काम मार्केट में पाया है। और ये जो ऐसा वर्क है, आप 2 महीने के ट्रेनिंग पे आप इसको करना शुरू कर सकते हैं, 2 महीने की वो। लेकिन इसको बनाने के लिए जो मेन चीज आवश्यकता होती है वो है ड्राइंग, जो ड्राइंग किसी की बस की बात नहीं है, ऐसे वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। हाँ, ये कुछ लोग अभी आए हैं जो मार्केट में आपको बोल रहे हैं कि जो फिगर वर्क है उसके ऊपर भी ऐसे कोनिंग वर्क अपना उसने काम अपना किया है, तो ठीक है, अच्छा है। तो ये है, इसको बोलते हैं रिलीफ आर्ट। रिलीफ है जो एक स्कल्पचर का ही एक पार्ट है जो इम्बोज करके बनाया जाता है, इम्बोज करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसको पर्शियन आर्ट इसलिए लोग बोलते हैं कि ये इसकी बहुत सी जो डिजाइन है ईरानी चित्रकला से संबंधित है, यानी मिलता जुलता है, उससे ये मिलता है कि ईरान का है, इसलिए लोग इसे इसे पर्शियन आर्ट बोलते हैं। ये जैसे आपको पता होगा कि ये हमारे देश में कुतुब मीनार है, आपको पता है कि एक और मीनार है जामे मीनार जो अफगानिस्तान में है, तो उसी जामे मीनार से भारत के जो मुस्लिम किंग हुए हैं उन्होंने यहाँ पे कुतुब मीनार बनाया, और उसमें यही सब ईरानी आर्ट का गठजोड़ करके नक्काशी किया। उसके बाद आए मुगल वाले आए, तो मुगल वाले ने तुर्की आर्ट को और फारसी आर्ट को, मुस्लिम आर्ट को, और कुछ भारतीय चित्रकला को लेकर उन्होंने ये ताजमहल बनाए। तो ये सब
एक चीज में ला के उन्होंने मुगल आर्ट दे दिया और है यही चीज सब। तो आप हमारे वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर आप लोग कीजिएगा। तो आज हम इस आर्ट के बारे में बात करेंगे, इस आर्ट के बारे में। तो आप देखेंगे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। टुडे सर इज गोइंग टू मेक अ रिलीफ आर्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स ही हैज शोन यू, एंड इट वॉज फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया बाय द मिस्टर निवास शर्मा। It is also called Persian art because it was first started in Iran and it is related to Iran. तो ये सब बातें हैं। अब यहाँ पे बात आता है, अब इसको लोग ये भी बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसका नाम रखा है ट्री ऑफ लाइफ, ओके। ये ट्री ऑफ लाइफ है तो इसको फिर क्या बोलेंगे वो, क्योंकि ये भी इसी टेक्निक से बना हुआ है। तो लोगों ने अपने अपने नाम इसमें जोड़ दिए हैं और इसको इस हिसाब से मार्केट में फैला रहे हैं कि हम वर्ल्ड में फर्स्ट बार ऐसा काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसमें अगर इस पेंटिंग की अगर पेटेंट हुआ होता, अगर कॉपीराइट, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये जो डिजाइन को और कोई चोरी करके उसको बना लेता। ये मेरे पास है क्योंकि ये हमारे मित्र हैं, अभी वो लाइन पे ही होंगे, लाइव अभी आए होंगे। निवास नाम है और आगे मंगला थुड़प्पू ऐसा नाम है उनका, ये बनाया हुआ डिजाइन है। और मैं इसलिए बता रहा हूं वो, क्योंकि मैं आर्टिस्टों का बड़ी ही मैं कदर करता हूँ। जो आर्टिस्ट जो बनाया है उसके बारे में बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, तो इसलिए हम ये बातें हम आपको बता रहे हैं। मैं बोलने को ये भी बोल सकता था कि नहीं ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी डिजाइन है, वो बोले कि नहीं मैं सच्चा हूँ और मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा कोई मार्केट में अगर वो काम देखे ऐसा जो जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे मित्र हैं उनका ये बना हुआ है, ठीक है। और इसी आर्ट को लोग अपना पर बना के इसको मार्केट में बेच रहे हैं, ये मेरा आर्ट वर्क है, इसे मैं ही फर्स्ट बार लाया हूँ, तो नॉट गुड। तो आज हम आपके सामने जो लाए हैं वो ये है, ये मैंने अभी ये मैंने बनाया है, ये मेरा अपना डिजाइन है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर अब कीजिएगा, क्योंकि हमें नकल करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम हर चीज अच्छे ढंग से निभा सकते हैं, तो ये सब बड़ी बात नहीं है। ये मैंने बनाया है और इसको आज हम आपके सामने रिलीफ का रूप हम देंगे कि रिलीफ बनते कैसे हैं, इसको उसको बनाए कैसे जाते हैं। वेलकम निवास मंगलापुरा। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं अभी हमारे जो इस आर्टिस्ट के जो मूल आर्टिस्ट हैं वो अभी आए हुए हैं हमारे लाइव पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उनकी आर्ट को हम दिखा रहे हैं और हमको दिखाते हुए काफी अच्छा लग रहा है, और ये हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, ये आप देख सकते हैं। इस यही सब आर्ट को लोगों ने अपना आर्ट बनाकर मार्केट में बेचा है जो ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस पेंटिंग की उत्पत्ति से लेकर सब कुछ मैंने अभी आपको मैंने बताया है कि ये आया कहां से। तो मिस्टर निवास ये आज से 14 वर्ष पहले वो दिल्ली में अपना ये वर्क अपना इजाद वो किए थे अपने माइंड से आइडिया से, और इन्होंने ये जो भी था इन्होंने बना के वो छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने ऐसा कोई ऐसा बनाया ही नहीं, इसे मार्केट में आया नहीं। तो आप देख सकते हैं ये है रिलीफ वर्क, रिलीफ आर्ट, रिलीफ पेंटिंग, पर्शियन पेंटिंग इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। पर्शियन आर्ट, पर्शियन आर्ट इसलिए क्योंकि ईरानी चित्रकला इससे काफी मैच खाता है, इसलिए इसको लोग
पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं। तो ये बातें हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। ये कृपया करके आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं। तो इसको मैंने क्या किया है कि इसको हमने पहले बना लिया है और इस पे मैंने इसको छाप लिया। आप देख सकते हैं इस पे मैंने यही चीज को मैंने ट्रेसिंग कर लिया है। इसको ट्रेसिंग करने के लिए आप आपके लिए हम बोल रहे हैं कि येलो कार्बन का आप इंतजार वो आप करेंगे। येलो कार्बन ये कोरस कंपनी का है, ठीक है। ये मैंने कार्बन को एक साथ में जोड़ के ये मैंने काफी बड़ा बना दिया है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको बड़ा पेंटिंग बनाना है, बड़ा पेंटिंग अगर आपको बनाना है तो इसको एक साथ आप जोड़ के इकट्ठे आप इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको इधर उधर करने की आवश्यकता ना हो। वीडियो को फॉलो लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग। तो इससे हमको डार्क बैकग्राउंड करना है तो इसके लिए मैंने ये लिया है ब्लैक कार्बन। अगर इसके ऊपर हमें लाइट अगर करना होता, लाइट कलर इसके ऊपर, तो हम ब्लैक या ब्लू इस पर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर जब हम कलरिंग करते हैं तो ये जो कार्बन है इतना खतरनाक है, ये छूटेगा नहीं, जल्दी छूटेगा नहीं। तो इसलिए आपको हम यही बोलेंगे येलो कार्बन का इस्तेमाल किया कीजिए, ये वेस्ट है, अच्छा है। इस पर मैंने इसलिए येलो नहीं किया ये, क्योंकि हमें आपको दिखाना था इसके ऊपर कि ये मैंने इसके ऊपर मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज को अब हम हटा लेते हैं। और आप लोग की इच्छा थी कि वो कल वाले वो टेक्सचर को मुझे कलर करना है ना, तो मैं उसको कलर करने के बाद इस पर आते हैं, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा कलर करके आपको दिखा देते हैं वही चीज को, ठीक है। वो पीस अब हमारा सूख गया है तो आप देखेंगे। ये देख सकते हैं जो मैंने ऐसे ऐसे किया था, ये भी हल्का, ये मैंने ब्रिक बनाया था, ठीक है। तो अभी हम आपके सामने करके दिखाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का सा ये थोड़ा सा इसको हम घिसेंगे, थोड़ा सा इसकी जो रूखापन है उससे हमारा ये खत्म हो जाएगा। आज शाम को आप लोग के लिए मैं जो लेकर आना चाहता हूँ उसके बारे में, वो सबसे ज़्यादा हमको जो वोटिंग मिली है वो है फेस स्टडी का। अगर आप चाहें तो वोटिंग में अभी भी आप कर सकते हैं कि शाम के टाइम में आप देखना क्या चाहेंगे। तो अभी हम इसको ऑयल पेंट से करके दिखाते हैं या एक्रिलिक से, आप जैसा कहिए। आप बताइए कि मैं आपके लिए मैं इस पर एक्रिलिक पेंट करें या ऑयल पेंट, ये कृपया करके बताइए। मैं वही पेंट आपको करके हम दिखाएंगे, प्लीज। और हम आपको 11:30 का टाइम दिए थे तो दिल्ली में इतनी आंधी आ गई थी, इतनी ज़्यादा आंधी आ गई थी, उसके वजह से दिक्कत हो गया था, लाइट में अंधेरा छा गया था, इसलिए हम नहीं आ पाए। तो आप बताइए कि मैं इसमें कौन सा पेंट हम आपके लिए करें, बताइए। अच्छा चलिए, मैं आयल अगर मैं पेंट मैं कर देता हूं, ठीक है। ये हमने प्लेट लिया और इस पे हम ये ऑयल कलर है, ऑयल कलर है आर्टिस्ट का, ठीक है ना। ये हमने
थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स आते हैं उसमें एक्रेलिक कलर इस्तेमाल करें क्या आपके फ्रेंड्स आते हैं आप इसमें एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल अब तो मैंने ये निकाल दिया है उस टाइम हम पूछे थे। अच्छा मैं आपको एक में आपको एक्रेलिक करके आपको दिखाएंगे ठीक है। अब ये हमारा ये निकल गया है तो आपको हम दिखाते हैं ठीक है। ये ऑयल है मिट्टी तेल तारपीन तेल जो भी आप चाहे यूज कर सकते हैं ठीक है। ये देखिए ये देखिए हम इसके ऊपर कर रहे हैं बहुत ही बेस्ट इसमें आएगा ये हल्का सा कलर लेके इस पे कर देंगे जबरदस्त लुक आएगा। हम आपको जो भी बातें बताएंगे अच्छी बातें जेन्युइन बातें हिडन बातें नहीं क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ रियल बातें बोलता हूँ झूठ वाली बातें नहीं। अगर मार्बल पाउडर 10 रुपये केजी आता है तो आता है अगर आप दिल्ली में हैं आपको चाहिए मेरे एरिया में आप आइएगा मैं आपको एड्रेस आपको बताऊँगा। सर इसमें कौन सा पेंट बेस्ट रहेगा ये देखिए इसमें एक लाइन जो है ये देखिए इसमें और आपको बताते हैं थोड़ी सी और सर इसमें कौन सा पेंट बेस्ट रहेगा ये देखिए एक व्हाइट का भी आ गया है इसमें दोनों कलर आपको आपके चलेंगे एक्रिलिक कलर भी और ऑयल कलर भी एक्रिलिक कलर भी और ऑयल कलर भी चलेगा। ये देखिए कितना अच्छा आया है इफेक्ट आप देख सकते हैं एक बार और मैं आपको वो काफ़ी वो नज़दीक से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये नहीं कि मैंने आपको बनाया और आधा करके दिखाया नहीं मैं आपको टोटल ये आपके सामने मैंने किया था और ये अभी आपके सामने मैंने अगर हमें इसमें गोल्डन लाइन दिखानी हो कैसे दिखाएंगे इसमें गोल्डन लाइन अगर आप दिखाना चाहते हैं ये वाला तो गोल्ड कलर आपको लेके इसमें हल्का सा रब करना है आपको हम गोल्ड कलर भी करके आपको दिखाते हैं ठीक है। इसमें आया है क्या गोल्डन लाइन शो करनी हो तो कैसी करना होगा है ना स्पैचुला एक्रिलिक कलर ये एक्रिलिक कलर है ये कोई भी एक्रिलिक में गोल्डन कलर मेटेलिक कलर चलेगा ठीक है। तो हम ये एक्रिलिक कलर को लेते हैं ये देखिए हमने ये इस पे हमने थोड़ा सा हमने ये ले लिया दो आप चाहे तो स्पंज से भी कर सकते हैं तो इसको हमने ऐसे लेना है ऐसे इस पे स्पंज ही अच्छा रहेगा। ये देखते कि ये ऊपर ऊपर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सर आपने बोर्ड कैसे बनाया ये बोर्ड है MDF बोर्ड है ये MDF प्लाई कैसे बनाया सर आपने ये? अच्छा अभी वो नया है अभी बताते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर हमने गोल्ड अप्लाई कर दिया है। सर ये कलर कौन से ब्रांड की है ये हम आपको जो ब्रांड का स्पेशल नाम हम आपको बता नहीं सकते हैं इसलिए बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऐसे कुछ इसमें ग्रुप है जहाँ पे ब्रांड के बारे में ये बोलने वाली बात थोड़ी सी दिक्कत है वो लेकिन आप ये किसी भी ब्रांड का आप एक्रिलिक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं फेविक इनका भी अच्छा आता है उनका यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ये देखिए इसमें आ रही शाइनिंग आ रही है में आपको दिख नहीं रहा है ये देखिए इसमें हल्का सा चमक रहा है या मैं
आप देख सकते हैं ये देखिए, हाँ यहाँ से चमक रहा है। एक्चुअली में होता है क्या है कि जब इसका जो कलर है जो कैमरा का है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें आ गया है ना। इसी कलर को हम अब इसमें अप्लाई करते हैं, ऑयल कलर को ही, ठीक है। क्योंकि अभी आप एक्रिलिक के लिए भी बोल रहे थे तो हम एक्रिलिक भी करके दिखाएंगे। तो आप देखिए ये हम ऑयल कलर ही, सेम कलर को ही हम इसमें इसको कर रहे हैं सेम। हल्का सा लाइट कलर इसमें लीजिए और इसको कर सकते हैं। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा और आप लोग को अभिनंदन हम करते हैं कि आप लोग इतने चाव से हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं। और कल हमारी वीडियो को आप लोग वो काफ़ी देर तक देखे थे। अब देखिए इसमें हमारा ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए है ना, ये टेक्चर बिल्कुल, ये आसान है, टेक्निक है। जो अभी हमारे लाइव पे जो अभी आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, वो हमारा कल का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें यही चीज बताया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हाईलाइट अगर आपको करना है तो इस पे जो पेपर है उससे घिस दीजिए, ठीक है। ये देखिए ओके आ रहा है ना, इतना अच्छा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अभी लोग शेयर कीजिएगा। अब हम इस पे आपको एक्रिलिक पेंट आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा हमको पेंट एक्रिलिक मिल नहीं रहा है तो मैं यही एक्रिलिक को ही आपके सामने में करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये एक्रिलिक है ओके, एक्रिलिक मैं यही करके दिखा देता हूं। तो इसको हम स्पंज में लेते हैं, ये देखिए ये कटोरी है और ये एक्रिलिक है। अब इसकी एक्रिलिक के पहचान के लिए भी हम आपको बताते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये एक्रिलिक ना हो तो हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि ये एक्रिलिक ही है। ये देखिए ये पानी है, ठीक है। इस पानी में मैंने ये डाला है ना, तो ये देखिए इसमें आसानी से ये हाथ में ये मिक्स हो गया है ना, तो ये एक्रिलिक ही है ओके, ठीक है। जो कल का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे पेज पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हम इस एक्रिलिक को थोड़ा सा इसमें चाहे तो हम इसमें पानी वो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने पानी ये देखिए इसमें हमने ये देखिए ओके, तो इसको थोड़ा सा ये लाइट आएगा, ठीक है। ये देखिए ये हम इसमें इसको कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग
जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके। बस अभी थोड़ी सी समस्या ये है कि मार्केट में अभी कोई भी सामान मिल नहीं रहा है, वो जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो मैं। हाँ सर, जो लोग न्यू आए हैं तो उनके लिए आप लिंक शेयर कर दें कल की वीडियो के लिंक। के लिए अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ी समस्या है, लिंक इतनी जानकारी नहीं है अभी फेसबुक का हमें। तो आप लोग अगर इंटेलिजेंट है तो प्लीज करके हमारा लिंक उठाइए और यहाँ पर डाल दीजिए, प्लीज करके आपसे रिक्वेस्ट है। वो क्योंकि फेसबुक का वो भी फीचर है, उसके बारे में अभी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये कि जानकारी हो रही है। ये देखिए, हमने इसको एक्रिलिक कलर में मैंने इसको किया है, ठीक है, एक्रिलिक कलर में, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं और इसको एक मिनट इसको सूखने देते हैं, थोड़ा सा पंखा ऑन कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये हम हटा देते हैं अब तक, क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है, हमने पंखा भी ऑन कर दिया। सर, जो लोग अभी नए नए आए हैं आपकी वीडियो में अभी, वो तो अभी का प्रीवियस देख नहीं सकते, इससे पहले वाला आपने क्या किया स्टेप, क्योंकि लाइव में तो वीडियो पॉज होके देखी जा सकती। ओके ओके, तो मैं इनके लिए भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो नए आए हैं उनके लिए, ये हमारा ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर ऐसा है जो आप पेंटिंग के बैकग्राउंड में आसानी से इसको आप दे सकते हैं। ये टेक्सचर जो बना हुआ है फेविकोल एक्रिलिक पेंट एक बराबर मात्रा में मिक्स होगा, 50-50। अगर आप 250 ml इसमें फेविकोल डाल रहे हैं तो 250 एक्रिलिक पेंट डालना है। एक्रिलिक पेंट किसी भी कंपनी का चलेगा, किसी भी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो डाला है मार्बल डस्ट, मार्बल पाउडर, इसको लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको सेरेमिक पाउडर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मार्बल डस्ट। और उमा शुक्ला जी नमस्कार, आप हमारा वीडियो इस पर शेयर कर रहे हैं, आपको दिल से नमस्कार। ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, और जो लिंक आया है उसके ऊपर आप सब लोग जाकर देख सकते हैं वो कल का वीडियो। और इवनिंग में हम आपके लिए अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं फेस स्टडी का, ठीक है। तो इसको मैंने मार्बल पाउडर, एक्रिलिक पेंट, फेविकोल, ये तीनों को मिक्स करके मैंने ये बनाया है इस स्पैचुला से, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जब सूख गया है तो इसके ऊपर हमने एक्रिलिक पेंट या ऑयल पेंट जो आपके पास है वो आप इस पे इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, और ये आपका काफ़ी मजबूत रहेगा। याद रहे कि इसके अंदर में जब मार्बल पाउडर, एक्रिलिक पेंट और फेविकोल ये आप मिक्स इसमें करेंगे तो एक बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए, ये क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है MDF बोर्ड है, इसको तो मैंने पेंट वैसे कर दिया है, MDF ये प्लाई है, ठीक है। MDF ये हमने इसको बैक साइड में हमने पेंट कर दिया है, तो इस टाइप का लग रहा है, आप देख सकते हैं MDF बोर्ड, ये है MDF बोर्ड, ये है ना MDF,
ये देखिए देखिए, इसी के ऊपर ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है, ये तो यही चीज़ है सेम, ये प्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर ये चीज़ बनाया गया है। सेम वही मेथड से मैंने इस पर ये ब्रिक बनाया है। तो ये ब्रिक हमारा अब सूख चुका है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए, इस पर टेक्चर दिखाने के लिए, ये देखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। ये मैंने आपके सामने इसको रबिंग मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। ये हमने इसको घिसा तो ये आ गया, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में ये टेक्सचर भी आ रहा है, ये इसमें एक स्टेप बन गया है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ऐसा ये लग रहा है कि ब्रिक ही है आपका, है ना, ये एक ब्रिक का ही इफेक्ट दे रहा है। और ये काफी मजबूत होगा, ये निकलेगा नहीं, याद कर लीजिए, ये निकलेगा नहीं, ये मजबूत है, काफी मजबूत है। जो खाली MDF वो देखना चाहते हैं तो मेरे पास बिल्कुल खाली नहीं है वो, लेकिन बैक साइड का ये है, ठीक है, इसके पीछे में ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने काफी पहले ये बनाया था, ठीक है। जो नए आए हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख सकते हैं ये MDF प्लाई है, ये तो इसी प्लाई के ऊपर मैंने ये चीज़ बनाया है, और इसके बैकग्राउंड में ये भी बना हुआ था बहुत पहले। तो ये सब जो भी मेरे पास ये काफ़ी ओल्ड है वो, लेकिन हम आपको आसान तरीके से बताने के लिए ये सब हम लाए हैं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये देखिए। और ये इसका इस्तेमाल आप पेंटिंग के पीछे में, अपने वॉल आर्ट में, और आप इसको कहीं भी अप्लाई अपने माइंड से कर सकते हैं। MDF का जो है 3 mm का चलेगा, 3 mm, 2 mm भी चलेगा, 3 mm, 4 mm, अगर ज़्यादा बड़ा बोर्ड अगर चाहते हैं तो आपके लिए 4 mm या 5 mm अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर MDF अगर नहीं मिलता है तो आप जो है 6 mm का जो आता है प्लाई बोर्ड आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये प्लाई बोर्ड, ये देख सकते हैं, ये है प्लाई बोर्ड, इसको ब्लॉक बोर्ड भी बोलते हैं, जो अक्सर हम लोग अपने फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये प्लाई बोर्ड है, ये प्लाई बोर्ड वाटर प्रूफ होनी चाहिए, अगर वाटर प्रूफ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको अपने घर पे वाटर प्रूफ इसको कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि इसको लाइए और इसके बैकग्राउंड में जो है क्लियर वार्निश, लिंक में नहीं दिख रहा है, आप हमारे वो पेज पे जाके वो देख सकते हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो ये आप इसको पक्का करना चाहते हैं अगर वाटर प्रूफ, तो इसके ऊपर क्लियर वार्निश एक कोट इस पर लगा दीजिए। और वो लगाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप जो क्लियर वार्निश है 50% क्लियर वार्निश और 50% तारपीन तेल या मिट्टी तेल उसके अंदर में मिक्स करके इस पर आप लगा सकते हैं 2 कोट, ताकि इसका अंदर का एक बेस बन जाएगा, जब इसके ऊपर वाटर वाला काम करेंगे तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, ये प्लाई आपका फूलेगा नहीं, इसलिए इसको पक्का करने के लिए इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर देखिए मैंने ये काम किया है, रिलीफ वर्क आप देख सकते हैं, अगर ये होता कमज़ोर तो ये अब तक निकल गया होता, टूट गया होता। इसमें हमने हल्का सा ये गोल्डन भी किया है, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी पक्का है,
ये गोल्डन है ना, ये काफी पक्का है, निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने इतने तरीके से पक्का किया है कि ये निकल ही नहीं सकता है। इस पर आप इस पर पानी डाल दीजिए, चाहे कुछ भी डाल दीजिए, निकलेगा नहीं, पक्का है ये। अजवाशवाल जी आपको थैंक्स। तो अब हम एक काम करते हैं रिलीफ पेंटिंग में, ओके। तो ये सब हम हटा देते हैं। तो आज हम जो काम करने वाले हैं इसमें बनाएंगे रिलीफ पेंटिंग। इस पे मैंने ड्राइंग हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है प्लाई बोर्ड है, ये देखिए ISI मार्क का कोई भी प्लाई बोर्ड आप ले सकते हैं, ISI मार्क, ठीक है। ये है 9mm का प्लाई है, 9mm का है। अगर छोटा बोर्ड अगर आप बना रहे हैं इस साइज का, तो 12mm का वो लेना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी, एक बार लिखकर बताइएगा आप लोग। आवाज मेरी आ रही है, आवाज मेरी आ रही है तो आप बताए कि क्लियर आवाज आ रही है। ओके, तो ये हम इस पे आज हम काम करेंगे। तो इस पे काम करने के लिए भी आपको बस दो ही मटेरियल आपको लेना है, एक मार्बल डस्ट और एक फेविकोल, और कुछ नहीं लेना है। मार्बल डस्ट हमारे पास वही कल वाला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मार्बल डस्ट में एक बात और हम आपको फिर से बता देते हैं, लोगों को कंफ्यूजन है कि मार्बल डस्ट बोलते किसको हैं। ये मार्बल डस्ट आपको बोल रहे हैं, ये हमारे जो कोटा हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान एरिया में जो मार्बल की जहाँ होती है कटिंग होती है, ठीक है, उसकी कटिंग से जो डस्ट निकलता है ये वही पाउडर होता है, ओके। इसको मार्बल डस्ट बोलेंगे, मार्बल पाउडर बोलेंगे, और लोग इसको कंफ्यूज करने के लिए इसको सिरेमिक पाउडर भी बोल देते हैं। एक्चुअली में जो सिरेमिक पाउडर होता है वो होता है सिरेमिक, वो कलर होता है, जैसे ये टाइल बनाने के लिए जो कलर का इस्तेमाल होता है उसे सिरेमिक बोलते हैं, कलर बोलते हैं। उसको टाइल के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको आग में उसको पकाया जाता है, वो जब वो पक जाता है तो वो टाइल में वो कलर वो चिपक जाता है, वो होता है सिरेमिक रंग, ठीक है। और ये जो है ये पाउडर है, ये पाउडर है। सर आप क्या बना रहे हो अभी? हम इस पे बना रहे हैं रिलीफ पेंटिंग, रिलीफ, ठीक है। जो लोग इसको बना के बताते हैं हल्का फुल्का, और बाकी नहीं बताते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ये पाउडर, और ये पाउडर ये आपको हर जगह किसी भी दुकान में जहाँ पे मार्बल वो टाइल मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सस्ते रेट में, बिल्कुल सस्ता, ओनली 10 रुपीज केजी, ओनली 10 रुपीज केजी आपको ये मिल जाएगा। अगर खुला में लेंगे तो वो हल्का सा आपको ज़्यादा दाम पे वो दे सकता है, लेकिन जैसे उसके बैकेट वो लेंगे, बोरी लेंगे,
तो ये रेट आपको और भी डाउन आपको मिलेगा, और भी डाउन आपको मिल जाएगा, आपको आपको बोरी मिल जाएगा। इसकी इसकी पहचान करने के लिए आपको आसान तरीका है, आटा आपके पास होगा, आटा की जितनी बारीक ये पाउडर है, एक इससे भी बारीक आता है और एक ये आटा वाला भी आता है, तो आप आटा वाला लीजिए। अगर आटा से ज़्यादा आता है, सूजी वाला आता है, तो वो नहीं लेना है, ये आटा वाला ही चलेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास बिल्कुल वाइट है, जो सेकेंड टाइम आपको आपको मिला है वो हल्का सा डल है या येलो टोन है, इससे इसमें इसमें कुछ भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मार्बल डस्ट ही, मार्बल पाउडर ही है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स करके एक 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 बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। ये आगे हम मेरे पास है फेविकोल, एम आर का फेविकोल, ये सब हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, इसलिए मार्बल पाउडर, फेविकोल और ये सब जो छोटे मोटे आर्ट वर्क के लिए हमारे पास इतने सारे मटेरियल है। अच्छी बात है कि अगर आपको 110 की आपको आई है तो हमें इसके लिए अच्छी बात है। ये 110, 150, 200, कहीं 250, कहीं 300, ऐसे इसी रेट में मिलता है। आप लेकर आए हैं, आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप हमारी वीडियो देखकर सुन करके ये इतने सस्ते में माल आप लेकर आए हैं। ओके, तो ये हम इसको मिक्स करके एक बनाएंगे। इसको मिक्स करने के लिए आपके पास एक हार्ड बैकेट होना चाहिए, पॉट। तो हम अधिकतर जो है गिलास में इस्तेमाल करते हैं, ये हार्ड होता है, और ये बटर नाइफ है, इससे हम इसको डाल के मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने इसके अंदर में डाल दिया, आने वाले टाइम में आपको जो तंजोर पेंटिंग है उसके बारे में भी हम आपको डीपली आपको बताएंगे। ये हमने ओके, ये हम आपके सामने डालना थोड़ा सा भूल गए हैं, ठीक है। तो ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके मटेरियल के बारे में हम आपको डीपली बताएंगे कि जो है तंजोर पेंटिंग आई कहाँ से है, ठीक है, उसकी बनावट होती कैसी है, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। या आप कोई पेंटिंग सीख रहे हैं तो उस पेंटिंग के आपको पूरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको ये भी बताएंगे कि इसमें हमने कितना मिक्स किया है, आपको बताएंगे, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9891338339। अभी ये नंबर लगेगा नहीं, इसलिए नहीं लगेगा कि मैंने ये नंबर को इसी से मैं अभी आया हूँ लाइव, तो उस पर भी लगेगा नहीं, क्योंकि इस नंबर से लाइव आने पे होता है क्या कि अक्सर हमारा वीडियो है बीच में रुक जाता है कॉल आने पे, इसलिए हमने इस टाइम में हमने इसको ऑफ इसको कर दिया। इसमें दो प्रकार का पेस्ट बनता है, दो प्रकार का सर, ओके। इसमें कितनी क्वांटिटी में लिया है मार्बल पाउडर, अभी बताते हैं। इसमें जो मटेरियल आप जो बनाएंगे दो प्रकार का बनाएंगे, ठीक है। आप लोग आटा तो आप लोग आटा की ही तरह है ये, तो ये हम आटा को हम इसके अंदर में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको बताते हैं, ये देखिए, ये जो हमने जो मिक्स किया है, ये देखिए, ये गिर नहीं रहा है, देख रहे हैं, ये आसानी से नहीं गिरेगा, ये
और आपको नजदीक से हम दिखाएंगे। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, याद रहे कि ये सब मटेरियल में आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये देखिए, ये हमने उठाया है तो इतनी ये आसानी से गिर नहीं रहा है, ये देखिए। तो आपके पास इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये देखिए, ये अब गिरा है ना, ये अब ये नीचे आया, ये देखिए। तो इस मोटाई का आपको बनाना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। सर हम पीओपी यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी मिल नहीं रहा ना? नहीं नहीं, पीओपी टिकेगा ही नहीं, और उसको उसको घोलेंगे तो वो सूख भी जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो इतनी आसानी से ना है, और आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं करना है। अब इतना ज्यादा हार्ड अगर इसको कर देंगे तो इसको जैसे ही फोन के अंदर में भर के चलाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। ये देखिए एक बार और हम आपको सामने से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ओके, ये अब गिरा है ना, ये और देखिए, ये देखिए, ये आएगा, आसानी से नहीं आएगा, ये देख रहे हैं। तो इतनी मोटाई की होनी चाहिए, नहीं चौक पाउडर भी नहीं। अब इसको हम भरेंगे कोन में, ठीक है ना, ये देखिए हम इसको भर रहे हैं एक कोन में, ये देखिए। ये हमने भर दिया है, ये देखिए, मैंने इसको एक प्लास्टिक के कोन हमने बनाया, ठीक है, ये इसको मैंने इसके अंदर में भर दिया, ठीक है, ये जूम है क्या, हाँ, इसको हमने इसके अंदर में ये हमने भर दिया। भरने के बाद अब इसका पीछे से ढक्कन इसको बंद कर देंगे। सर पुट्टी यूज कर सकते हैं? नहीं, ये पुट्टी ना, बिरला पुट्टी ना, चौक मिट्टी ना, पीओपी, इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा। तो एक तो मटेरियल ये बन गया, ठीक है, दूसरा मटेरियल के बारे में भी हम आपको बताएंगे जब इसकी जब हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये मटेरियल बन गया है एक का, जिससे हम लाइनिंग कर सकते हैं। अब आता है कि इतनी बड़ी जो कोन है इससे आप लाइनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो छोटे 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 पप्पू साइज का जो है कोन है वो होना चाहिए। ये मैंने कोन इसमें पहले से बना रखे हैं, ठीक है, देखिए छोटे छोटे। ये मार्बल पाउडर आपको मिलेगा जहाँ पे जो टाइल की दुकान है, ये देखिए छोटा सा कोन, कितना बड़ा, आप हमारे उंगली को देखेंगे, ये देखिए ठीक उंगली के बराबर का है कोन, ये देखिए, ओके, उंगली के साइज का, क्योंकि छोटा सा आपको, ये देखिए हल्का 19-20 से चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है वो, लेकिन इसकी लाइनिंग करने के लिए आपके पास जो जो कोन है वो छोटा ही होना चाहिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कीजिएगा सभी लोग, ये देखिए छोटा सा है ना। अब इसके अंदर में हम इस चीज़ को फिर से भरेंगे। अब आप बोलेंगे कि नहीं इसी में भरना था तो डायरेक्ट आप इसमें भर देते है ना, तो इसलिए इसमें नहीं भरें वो, क्योंकि जो हम इसके अंदर में वो डाल रहे हैं वो डालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए हमने इसको ये बड़े वाले में डाल के अब छोटे वाले में डाल रहे हैं। तो ये देखिए,
ये हमने इसमें डाल दिया, अब इसमें लगाएंगे टेप, ठीक है ना। अब ये हमने दूसरे में भी हम इसको डाल रहे हैं, ओके, इसमें भी हम इसमें लगाएंगे टेप। सर इस कोन को हम कितने देर तक रख सकते हैं कि ये ड्राई ना हो? ये इसको अच्छी तरह से इसको बंद कर दीजिए और आप इसको 5 दिन 10 दिन के बाद वर्क में लाएंगे तो ये निकलेगा नहीं, आपका लाइन अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हम यही बोलेंगे कि अगर आपको यूज करना है तो आज बनाइए और कल तक परसों तक यूज इसको कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखा कि अभी हम और डाल रहे हैं, इसमें बस दो ही मटेरियल है, फेविकोल और मार्बल पाउडर, बस फेविकोल और मार्बल डस्ट। ये इस पे हम चिपकाएंगे टेप, ये हमने चिपका दिया टेप। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कोन ये बन रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा वर्क अगर करना चाहते हैं तो आपके पास से कम 8-10 कोन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जब आप वर्क करते हैं तो ये डस्ट है, डस्ट के अंदर में कभी वो मोटा आ गया है ना, जो मोटा वाला कण है इसके अंदर में फंस जाएगा तो आपका कोन है वो चलेगा नहीं। नहीं, ये कैनवास बोर्ड पे रिलीफ पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये उसके लिए नहीं है। ये जो है आप इसको प्लाई बोर्ड पे ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, इस मटेरियल से अगर आप चाहें तो कैनवास बोर्ड पे हल्का सा लाइनिंग वो कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं रहेगा, वो जैसे ही हिलेगा तो बाद में निकल सकता है। ये आपको जो पाउडर जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको जो टाइल की जो दुकान होती है, ये जहाँ पे मार्बल मिलते हैं वहीं पे आपको मिलेगा। उसको बोलना है कि मार्बल डस्ट चाहिए, मार्बल पाउडर चाहिए, तो वो बोलेंगे कि पर्पज बताइए, तब आप बोलिएगा कि हमको मार्किंग के लिए चाहिए, रोड मार्किंग के लिए चाहिए। अगर ऐसे वो नहीं समझता होगा तो आप देखते होंगे कि अधिकतर जो होता है शादी ब्याह होता है उसमें लोग मार्किंग के लिए इसको यूज करते हैं। हम भी जब छोटे थे तो लोग ऐसे ही वो साइड में उसको लेके चलते थे तो हमको लगता था कि ये आटा लोग इतने बिखर देते हैं आटा, बाद में पता चला कि ये मार्बल पाउडर है। जी बताइए सर, क्या इसमें आप वाइट सिरेमिक इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे ये वही चीज है सर, आप रेशियो बता दीजिए कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया आपने। रेशियो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको इस हेवी कोल में इतना मात्रा में डालना है कि ये ज़्यादा हेवी भी ना बन जाए और लूज भी ना बन जाए। इसलिए आप अगर ये नए आए हैं तो प्लीज करके इस वीडियो को 10 मिनट पहले का आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। सर कितने कोन बनाने होंगे? ये हम आपको अभी आपको बोले ना कि एक कोन के अंदर में जो आपका मटेरियल है सर, MDF प्लाई ओके होगा? हाँ ओके होगा, नो प्रॉब्लम, MDF हो गया या ऐसे प्लाई बोर्ड हो गया ये चलेगा। हाँ ये कि MDF अच्छा क्वालिटी का हो। ये देखिए अब ये हमारा जो है कोन है तैयार, ठीक है, ये हमने ये कोन हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए लगभग में 8-10 कोन है, ठीक है ना, 8-10 कोन है। तो ये हमने बना लिया है, अभी हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें लगते हैं। आप लोग ऐसे ही लाइव पे हमारे आते रहिए और अच्छे अच्छे टेक्निक हमसे लेते रहिए। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि ये मेरा जो डिजाइन है वो है क्या, ठीक है ना, जो हम बना रहे हैं ये डिजाइन है, ये डिजाइन है जो इसके ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है। ये
जो मैंने इसे कल ही बनाया है, इसको मैंने कल ही बनाना शुरू किया था और आज ये मॉर्निंग में हमने इसको कंप्लीट इसको कर दिया था वैसे। और हम लाइव आने वाले थे 11:30 में, लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश, नहीं बारिश नहीं आंधी आ गई, उसके वजह से ये यहाँ पे जो है लाइट है ना, इस एरिया की लाइट ही चली गई, इसलिए हम आ नहीं पाए। तो हम आपके सामने फिर से आ गए। दिल्ली पेंटिंग का मतलब क्या हुआ, किस टाइप की पेंटिंग आती है, रिलीफ का मतलब होता है उभरा हुआ। ये रिलीफ तो है एक स्कल्प्टर का ही एक रूप है, अंग है, ठीक है, उसी से ये प्रेरित है। और जो इस पेंटिंग को म्यूरल भी बोल सकते हैं, और म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र। आप देखे होंगे एलोरा की जो गुफा है और भी अजंता की जो गुफा है, उसके पत्थर पे जो है इसी भित्ति चित्र का इस्तेमाल किया गया है, यानी उभरा हुआ। वो पत्थर को काट काट के कार्विंग करके बनाया गया है, उसी को बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। तो उसी से ये प्रेरित होकर ये बना है रिलीफ पेंटिंग, ठीक है, रिलीफ उठा हुआ, ये वर्ड है लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। और इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 3D पेंटिंग। एक आपको बात ये भी मैं आपको बता रहा है कि रिलीफ पेंटिंग को लोग आजकल बोलने लगे हैं 3D पेंटिंग। अब बताइए इसको पर्शियन आर्ट बोलते हैं। सर इस बोर्ड का साइज क्या है? इस बोर्ड का साइज है, ऐसे है 24 इंच, ऐसे 18 इंच। ओके, 24 इंच बाई बेस कैसे करना है? बेस जो करना है फेविकोल और मार्बल पाउडर का ही मटेरियल को लेके, स्पैचुला में लेके आपको ऐसे ऐसे बेस आपको बनाना है। सर क्या ये आपने कैनवस पे किया है? नहीं, ये प्लाई बोर्ड है, ये जो है प्लाई बोर्ड है। अब हम इस पे शुरू करते हैं इसका लाइनिंग, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है, तब इसको लाइनिंग करने के लिए आप देखिए, एक मिनट, आपको थोड़ा सा नीचे आपके लिए हम कर देते हैं। ओके, ये आपको ठीक है ना, ये अब आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा बारीक से हमने काटा है। अब आप अपने चॉइस से आपको जो लाइन है कितनी मोटी करनी है, ये देखिए, ये हमारा लाइन कट गया। ये देखिए, अब यहाँ से इसको, ये देखिए, पंखा को थोड़ा सा कम कीजिए, ये देखिए। अगर आप लोग ये मेहंदी लगाते हैं तो आपके लिए आसान वर्क है, जो और जिनको नहीं आता है उनको लिए ये थोड़ा सा अभ्यास इसको करना है। और ये हम आपको धीरे से करके इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको समझ आए, तो हम तो इससे स्पीड में भी लाइन इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सर जब इस कोन का काम हो जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं? इसको हाँ रख सकते हैं, वैसे उसमें रखिए या ना रखिए उससे फर्क ये नहीं पड़ता है, वो क्योंकि ऑलरेडी ये पैक है। अगर ये उसमें भी इसको छोड़ देते हैं फ्रिज में और ये बाई चांस अगर ये अंदर से लीक है, ठीक है ना, तो जो फ्रिज की हवा भी है इसको अंदर से इसको बंद कर सकता है। सर आप दोबारा से बताइए कि ये बोर्ड किससे बना है? ये है प्लाई बोर्ड से बना हुआ है, ये जो बोर्ड है ये प्लाई बोर्ड है। इसके ऊपर हमने मार्बल डस्ट और फेविकोल, जो MR फेविकोल है, ये आप देख सकते हैं MR, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। आप हमारी लाइन देखिए, ठीक है, ये देखिए,
हम इसको कितने अच्छे तरीके जब से बेस कोट करना है सर तब मिक्सचर पतला होना चाहिए या ठीक होना चाहिए? अगर वो बिल्कुल उसको अगर पतला अगर आप कर देते हैं तो एक दिक्कत आ जाएगी, हम आपको बताते हैं। ये जो लाइन है ये जो है टेक्सचर है ये सब आप देख रहे होंगे, ये है ना, ये जो टेक्सचर आ रहा है इम्बोज आ रहा है ना। अगर इस मटेरियल को ज़्यादा पतला अगर आप इसको कर देंगे तो ये जैसे ही अप्लाई करेंगे इसको सूखने के लिए रखेंगे तो ये बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा तो बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ये प्लेन हो जाएगा। और ये होगा कैसा प्लेन ये भी हम आपको बताते हैं, एक मिनट। ये देखिए ये ऐसा प्लेन हो जाएगा, ये भी ये देखिए ये बिल्कुल ये प्लेन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये उंगली लग गया था तो यहाँ पे हल्का सा वो आ गया है ना। तो इसी मटेरियल से मैंने ये बेस बनाया है, लेकिन ये चिकना है, चिकना है, ठीक है। तो अभी हम आपको लाइन करके दिखाते हैं, ठीक है, इसको की लाइन हम इसको करेंगे कैसे। जो नए आए हैं हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स खूब कीजिएगा, वो ताकि हम आपके लिए और ये वीडियो लेकर आते रहें। कौन कहा गया ये है ना, कौन है ये देखिए, एक बात का ध्यान रहे ये जो है मटेरियल है ये मोटा होना चाहिए, अगर इसको अगर पतला रखेंगे तो लाइन जैसे ही डालेंगे ये बैठ जाएगा वो नीचे के साइड में, तो इसको बैठने देना नहीं है, इसको लाइन लेके इसको खींचना है। ये आप देख सकते हैं सर कोन में क्या है, ये कोन में इसका जो बैकग्राउंड है ना मटेरियल ये वही चीज है। हमको बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि हमारा जो माइंड है इधर भी है और उधर भी है, इसलिए मैं हल्का सा मैं रुक के बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है इस पेंटिंग की तरफ है, इसलिए ये इसको आप लोग बिल्कुल ही माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए तो ये इसको हम कर रहे हैं। अब इसके बाद की जो है प्रोसेसर है ये भी हम आपको अभी ही करके दिखाएंगे, ठीक है, अभी ही करके दिखाएंगे। और इस कोण को सूखने में मुश्किल से आधा घंटा टाइम लगता है, ठीक है, इसके ऊपर आप अभी के अभी इसके ऊपर एक और अगला प्रोसेसर इसमें आराम से इसमें कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल आसानी से हम इसको निभा रहे हैं, इसको कर रहे हैं। और ऐसे वर्क हमने इतने ज़्यादा किए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हाँ ये कि ये वर्क करने के लिए लाइन वर्क करने के लिए हमारे पास बंदे होते हैं जो उनको जो है ड्राइंग करके हम दे देते हैं, फटाफट वो अपना लाइन वो खींच देते हैं, क्योंकि ये सब अगर आर्टिस्ट ही करने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। हाँ ये कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो इसकी जो भी है वो सब हम ही लोग बनाते हैं, और बाकी जो मार्केट में वो नए आए हैं वो बस इसको हल्का सा करना जानते हैं और कुछ नहीं। अच्छी बात है, वो लोग भी अपने पैसे अपना कमा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके अभी लोग कीजिएगा।
आवाज हमारी इस वादी में रहेगी, आज की ये बातें ये कल भी कहेंगी, गूंजेगा गीत जवाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। सर आप बताएं कि कौन मटेरियल कैसे बनाया आपने? ये मटेरियल जो मैंने बनाया है फेविकोल और मार्बल डस्ट से बनाया है। जो फेविकोल है वो है MR। ये जो फेविकोल की भी अलग अलग वो है पार्ट है, एक आता है MR जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है MR, एक आता है SH जो लकड़ी के इस्तेमाल में उसका यूज आता है, और एक आता है DDL जो मिट्टी के। अब आपको याद होगा कि हम लोग पहले अपने घर में जो उसके ऊपर जो पेंट करवाते थे वो होता था एक प्रकार का मिट्टी, उसे हम लोग बोलते थे याद होगा, वाइट आता था उसमें डाल के इसको लगाते थे ताकि वो अच्छी तरह से उसको पकड़े रहे। सर डिज़ाइन का प्रिंटआउट किधर मिलेगा? ये डिज़ाइन आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ये आपको डिज़ाइन जो है अगर आप नेट पे चाहे तो ऐसा छोटा मोटा जो भी है आपको मिल सकता है वो, लेकिन अच्छा क्वालिटी का चाहिए, कुछ डिफरेंट टाइप का चाहिए तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे या आपको आर्टिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये बना मार्बल डस्ट भी बहुत तरह के होते हैं, प्लीज आप बताइए कि कौन सा यूज करें। आपको किसने कहा कि इसमें अलग अलग प्रकार आते हैं मार्बल डस्ट का? एक ही आता है, हम आपको जो हम कल से बोल रहे हैं ये एक ही आता है, और इसको मार्बल डस्ट बोलते हैं, मार्बल पाउडर बोलते हैं, सिरेमिक पाउडर भी बोल देते हैं, बस यही बात है। अगर कोई दिल्ली के हैं उनको मार्बल पाउडर अगर मिल नहीं रहा है तो हमारे उत्तम नगर एरिया आइए, मैं उस जो दुकान का एड्रेस आपको बता सकता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये हर जगह मिल जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस काम को करने के लिए मैं जुहू एयरपोर्ट पे भी गया था तो मुंबई में आसानी से मिल गया था, उत्तराखंड गया था तो वहाँ भी हमको आसानी से मिल गया था, हिसार गया था वहाँ भी मिल गया था, यानी मैं जितने भी जगह पे ऐसा वर्क मैं करने के लिए गया था बहुत ही आसानी से हमको ये चीज़ मिल गया। यहाँ तक कि आपको बोल रहा है कि मैं उत्तरकाशी में गया था, गंगोत्री में काम करने के लिए हम गए थे तो उत्तरकाशी जो जिला है वहाँ भी ये चीज़ हमको मिल गया था। सर प्रतिभा जी कह रही हैं कि उन्होंने ये मार्बल पाउडर मंगवाया था लेकिन वो इतना फाइन पेस्ट नहीं था, रफ था। रफ वही है ना कि आपको जो है इसको खुद मार्केट में जाके खुद इसको फील करके कि ये आटा की तरह है कि नहीं, ये आपको फील आपको आटे की तरह आपको चेक करना है वो, क्योंकि अगर आप किसी को इसको भेज देते हैं उसको लाने के लिए तो बंदा जाएगा और जो दुकानदार है सर जी यही है आप ले लीजिए वो, तो वैसे भी आप मार्केट में आप जाते हैं तो जो दुकानदार होता है अरे ये बड़ी अच्छा है यही लोग खरीदते हैं यही ले लो। सर इस पेस्ट को डायरेक्टली बोर्ड पे लगा देना है? हाँ इस पेस्ट को डायरेक्टली बोर्ड पे लगा देना है, और जो लगाना है वो इस स्पैचुला से। वेलकम लीला पटवाल, आप हमारे लाइव पे आए, हमें बहुत खुशी हुई। जो मुंबई वाला एड्रेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये
जो हम वहाँ गए थे 2008 में हम गए थे, उस टाइम गए थे जब वहाँ पे उस होटल पे आतंकी हमला हुआ था, मैं उस टाइम में गया था मुंबई में, तो उतना हमको आइडिया नहीं है कि मैंने कौन से दुकान से मैंने लिया था। हाँ, ये हमको ये है कि ऑयल पेंट हमने जो लिया था वहाँ पे दिल्ली से महंगा हमको ऑयल पेंट मिला था। ये हालांकि जो ऑयल पेंट की जो हेड ब्रांच है मुंबई में है, उसके बावजूद हमको वहाँ पे ऑयल पेंट वहाँ पे ज़्यादा महंगा मिला था। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि ये आपको किसी भी पेंट के जो दुकान है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वो जहाँ पे आपको वो चीज़ आपको ख़रीदना है। आपको बोल रहे हैं कि जो हार्डवेयर का जो होता है सामान होता है वहाँ भी ये लोग आसानी से ले सकते हैं, मिल जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये वाला है जो काफ़ी महंगा आता है, तो ये सब वाली बात है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सस्ता आता है जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं। जिनको अगर चाहिए दिल्ली में सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको उत्तम नगर का एड्रेस हम बता देंगे क्योंकि मैं उत्तम नगर में ही रहता हूँ, तो आप अपने आप जाइए और इसको खरीद लीजिए। अभी तो एक व्यक्ति आकर बताया था कि हमको बिल्कुल ही सस्ता में मिला है, अब बताइए। सर नीचे का बोर्ड कौन सा है? ये है प्लाई बोर्ड है, ये है प्लाई बोर्ड। सर ये जो मार्बल पाउडर है ये उत्तराखंड में किस नाम से मिलता है? यही नाम है मार्बल डस्ट। उसको बोलना है कि हमको जो है मार्किंग करना है, रोड मार्किंग करना है। हम कोई ऐसा आयोजन करवा रहे हैं, पार्टी आयोजन करवा रहे हैं, कोई नेता आ रहा है, उसके लिए भाई हमको मार्किंग करना है। अब आपको उसमें ये करना है कि जो बारीक है वो आपको अब इसमें ढूंढना है। हाँ, ये होता है कि कहीं कहीं पे आपको बारीक ये आसानी से आपको मिलेगा नहीं, आपको ऑर्डर से मंगवाना पड़ेगा। सर ये मार्बल डस्ट कितने रुपए केजी आता है? ओनली 10 रुपए केजी, 10 रुपए केजी। और अगर इसको बोरी में लेते हैं तो ये आपको और भी सस्ता आ जाएगा। अलग अलग जगह पे लोग हल्का 19-20 करके अपना बेचते हैं। अभी एक आए थे कल, वो बोल रहे थे कि अमेजन पे भी बिकता है। अभी अमेजन पे हम तो ये तो हम फर्स्ट पर हम सुन रहे हैं कि अमेजन वाले भी बेचने लगे हैं इस पाउडर को, आप बताइए। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्लेट में आप जो पाउडर देख रहे हैं, इस प्लेट में जो इस प्लेट में आप जो पाउडर देख रहे हैं ये कम से कम 2.5 केजी है, अब बताइए 2.5 केजी है, इतनी वजन है, ये वजन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा वजन होता है, 2.5 केजी है, बताइए 2.5-3 किलो, ठीक है ना? सर हम इसमें POP यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। POP आपका MDF बोर्ड या प्लाई में बिल्कुल नहीं टिकेगा, निकल जाएगा। हाँ, POP के लिए जो मूर्तिकार होते हैं वो अपने तरीके से उसको मूर्ति को आसानी से बना देते हैं, उनकी अपनी टेक्निक होती है। ये POP से आप मूर्ति आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्लाई बोर्ड के ऊपर POP टिकेगा नहीं, वजह भी हम आपको बताते हैं कि टिकेगा क्यों नहीं। सर प्रतिभा जी कह रही हैं कि उन्होंने मार्बल पाउडर अमेजोन से 150 रुपए केजी मंगवाया। ये तो अद्भुत बातें हैं, ये तो अद्भुत बातें हैं, ये बताइए। और हमको जहाँ तक लगता है कि आपको 150 रुपए में 20-30 केजी का बोरी मिल जाएगा, और बोलिए। इसके अलग अलग बैकेट आता है, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी आता है, बताइए। सर आप जयश्री को बताइए कि रिलीफ फीलिंग कैसे करते हैं? अभी 2 मिनट इंतजार कीजिए, ये हमारा
अभी वही कोन है ये, कि अभी मैंने अदर कोन इस्तेमाल नहीं किया है, आप देख सकते हैं ये देखिए अभी वही कोन है और इसमें भी भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है सर। कोमल जी कह रही हैं कि उत्तराखंड में रोड मार्किंग चूना मिलता है तो हम सेरेमिक पाउडर ले सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्बल पाउडर ही लेना है, वहाँ पे एक ही अच्छा पेंट का दुकान है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, हमको उसका विजिटिंग कार्ड। उत्तराखंड में कहाँ पे आप बताएंगे थोड़ा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है, ओके ओके, तो मैं आपको विजिटिंग कार्ड में ढूंढ के, आप हमको व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस जो दुकानदार है वहाँ का वो बंदा, हम वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, एक मनेरी जगह है, मनेरी डैम, वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे मैंने लगभग में 3 महीना हमने आर्टवर्क का काम किया था, 3 महीना, ठीक है। उसके भी कुछ हम पिक्चर हम आपको पोस्ट हम आपको करेंगे। और ठीक, उत्तरकाशी जो है भागीरथी नदी के तट पे बसी हुई है और वो काफ़ी अच्छा जगह है, हम वहाँ पे गए थे तो हमको बहुत आनंद आया, और हम गंगोत्री भी गए थे, हर्षिल भी गए थे, और वहाँ पे जो ऊंची ऊंची पहाड़े हैं उस पहाड़ पे भी हम चढ़े थे। सर ये पेंटिंग आज कंप्लीट हो जाएगी? अगर मैं इसमें 2 घंटा लगातार इसमें लग जाऊं तो इसकी जो है ना लाइन करके और इसकी मैं फिलिंग भी कर सकता हूं, तो हम इतना लंबा हम टाइम नहीं लेंगे आपके लिए, बस ये वाला जो है कोन है इसको हम समाप्त करके इसके आगे के जो प्रोसेसर है हम आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको हम इसको हटा देंगे, फिर हम इसके आगे के जो कलरिंग है वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ, इसकी जो कलरिंग के बारे में आपको हम एक और बातें हम आपको बताना चाहेंगे, इसके लिए हम जो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे, वो लोग अक्सर करते हैं क्या इसकी कलरिंग के लिए अजब अजब ढंग के मार्केट में ऑनलाइन हमने ऐसे ऐसे हमने देखा है इसकी कलरिंग का, देखकर दुख आता है कि लोगों ने इस वर्क को अपने ढंग से इसको कैसे कैसे बना दिया है। आप हमारी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट और फॉलो। सर आप कल भी लाइव आएंगे? नहीं, कल मैं लाइव नहीं आऊँगा, हो सकता है मैं आज ही आऊँगा आपके लिए फेस स्टडी के लिए, उसके बाद मैं आऊँगा 2-3 दिन के बाद, जब आएंगे तो हम आपको पोस्ट हम आपको जरूर कर देंगे, क्योंकि लाइव आने के लिए भी मेरे पास ऐसे कुछ होना चाहिए सब्जेक्ट, है ना, और हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे जो है सब्जेक्ट है वो लेकर आए, कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले। सर कोमल जी जो उत्तराखंड से हैं, हाँ, वो हरिद्वार में रहती है, मैंने गलती से उत्तरकाशी कह दिया था, उसके लिए सॉरी। अच्छा, हरिद्वार के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, हाँ ये है कि हरिद्वार में गया था, वहाँ से मैंने ट्रेन लिया था देहरादून के लिए, और फिर हम वहाँ से अपनी जो गाड़ी है उससे हम गए थे। और लोग इसको किस रेट से देते हैं वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है कि लोग 1000 के भाव से दे या 200 रुपये के दे या 500 दे, उससे मतलब नहीं है, ये हम आपको जो बता रहे हैं इस पे आप अगर बिलीव करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। सर आप रिलीफ पेंटिंग के कुछ सैंपल दिखाएं। कुछ सैंपल अभी मेरे पास मौजूद है, ज़्यादा है तो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर हम अपने हमारा जो वर्कशॉप है अभी वो बंद पड़ा हुआ है, हमारा जो वर्कशॉप है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, तो हमारे पास वो अभी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जो घर में मौजूद है ये देख सकते हैं, छोटा सा लॉकडाउन की वजह से हमारा वो भी है ना वो बंद पड़ा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी कलरिंग आप देखिए कितना अच्छा है, डल में ये जो पेंटिंग है ना जितना डल में अच्छा लगता है डल कलर में
उतना और किसी में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसकी जो रौनक ही वही है, ये देखिए। सर आप बताइए कि आप फेस स्टडी कब सिखाइएगा? फेस स्टडी के लिए अभी वोटिंग आप लोग कीजिए फिर से, कि फेस स्टडी सीखना चाहते हैं कि कॉफी पेंटिंग। ये देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, इस पे हमने थोड़ा सा गोल्ड वर्क भी किया है। ये देखिए, ये देखिए चमक रहा है ना, ये गोल्ड वर्क भी, और ये ऐसा वर्क है कि इसको इसको पानी डालने से भी, ये देखिए अभी हम इस पे पानी डाल रहे हैं, निकले नहीं, ये पक्का कलर है, ये गोल्ड वर्क है, देख सकते हैं ये। तो अभी हमारे पास सर इसको बनाने के लिए आपने ऑयल कलर यूज किया है? हाँ, इसमें जो कलरिंग है आप ऑयल कलर से कर सकते हैं और एक्रिलिक भी कलर से कर सकते हैं, लेकिन एक्रिलिक कलर से करने के लिए इसकी अलग टेक्निक है, वो हम आपको बताएंगे। वो क्योंकि एक्रिलिक में होता क्या है कि ये भी वाटर बेस है, वो भी वाटर बेस है, ठीक है। तो जब दोनों वाटर बेस जब एक साथ जब मिल जाएगा तो ये है जो आपका लाइन है, ये गल सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। तो उसके लिए एक्रिलिक वाला जो है, जब इसमें हम कलरिंग करेंगे इस बोर्ड में जब हम कलरिंग करेंगे तो हम आपको उसको लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है। उसमें लाइव करके दिखाएंगे कि एक्रिलिक का और ऑयल का इफेक्ट है क्या, ठीक है। और मैं अभी आप लोग के सामने लाइव इसलिए आना शुरू हुआ हूँ वो क्योंकि मैं बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से मैं बिल्कुल खामोश था, खाली बैठा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए हम आ जाए, और हमको लाइव आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। तो ये हम इस कोन को हटा देते हैं, अब इसका हम काम जो करेंगे इस कोन को अभी हम हटा देते हैं। इस कान को करने के लिए अब इसकी जो फिलिंग वाला है वो हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका आगे जब इधर हम करेंगे कोनिंग वर्क इधर साइड में, तो हम इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो अभी के लिए ये हम हटा देते हैं। लेकिन इसको हम आज कल में ही इसको कर लेंगे, अगर आज कल में नहीं अगर करते हैं तो ये रखे ये जो एरिया है ना यहाँ पे सूख जाता है। ये जब ये सूख जाएगा तो जैसे ही इसकी आप कटिंग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, कट जाएगा वो, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है इसको प्रेस करने से निकलेगा नहीं, ये आपका फिर कोन है खराब। तो आपको ये जैसे ही आपकी इच्छा हुई, आज नहीं करने का, परसों नहीं करने का, तरसों नहीं करने का, 10 दिन बाद करने का, तो आप ऐसा कीजिए, ये सभी कोन को इतना छोड़ के इसकी कटिंग कीजिए और एक गिलास में फिर से सबको डाल के फिर से मिक्स करके और दूसरे कोन आप बना लीजिए इसी मटेरियल से। सिंपल तरीका आपका ये है कि आपका व्यर्थ भी नहीं जाएगा और आपके ये काम भी आ जाएंगे। तो कृपया करके आप हमारी जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे इसकी जानकारियाँ मिलती रहे। आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा जलाल जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है, आप हमारे लाइव पे जो भी अभी नए आए हैं कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, कृपया करके, वो क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतनी हमको हिम्मत मिलेगी और मैं आपके लिए पेंटिंग में एक से एक आइडिया लेकर आते रहूं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो जो मार्केट में भी चल रहा है वो है, आने वाले टाइम में हम आपको एक से एक वर्क हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आप वर्क हमारे कुछ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे वर्क आज से 15 साल पहले बनाया गया था। ये है ऑयल पेंटिंग, ये जो है ग्रेट आर्टिस्ट है उसका ये वर्क है। मैंने इसको नकल करने की मैंने कोशिश इसको किया था और काफ़ी हद तक मैंने निभा भी दिया। आप देख सकते हैं इसकी जो बारीकियां हैं, ये देखिए, इसमें आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है, लुइस डेविड, ये आर्टिस्ट थे
बाहर के, है ना, ये देख सकते हैं इसमें ये कितने अच्छे काम है, ये देख रहे हैं एक एक चीज, ये देखिए। तो इस पेंटिंग को बनाने में हमको 6 महीना लगा था, ये देखिए इसमें हमारा, इसमें खान भी लिखा हुआ है वो, लेकिन ये अभी हम लाइव है तो ये हमारा जो पेंटिंग है ये कहीं भी जाएगा तो अब जाएगा तो अब जरूरी है कि इसमें आर्टिस्ट है ना, तो इसमें कटसी भाई जो लुइस डेविड है उनका नाम लिखना जरूरी होता है, इसलिए हमने आर्टिस्ट का नाम मैंने लिखा है वो, क्योंकि जो मैंने कॉपी वर्क किया है सो किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हमारी पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी मैंने अपलोड किया है, लेकिन मैंने इस आर्टिस्ट का भी नाम हमको उतनी जानकारी नहीं है वो, लेकिन कटसी भाई हमने फॉरगन आर्टिस्ट हमने लिखा है, आप हमारे ये पेज पे जाके देख सकते हैं। और इस पेंटिंग को हमको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, ये मोनो पेंटिंग को, और ये तो खैर हमने वाटर कलर अभी बनाया था फटाफट, तो ये सब हमको जल्दबाजी में ये सब हमको बैठाना पड़ रहा है। वो जैसे ही लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो एक हमारी स्टूडियो होगी, आप देखेंगे एक से एक वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, एक से एक। इससे पहले मैं कभी भी लाइव नहीं आया, ऑनलाइन नहीं आया, इसलिए नहीं आता था कि अरे छोड़ो लाइव कौन जाए ऐसे, है ना, अच्छा नहीं लगता था वो, लेकिन मैं लाइव आकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और लोग लाइव आने से कुछ लोग परेशान भी हैं। सर अभी आपके पास कुछ लेटेस्ट वर्क है तो आप दिखाइए। लेटेस्ट वर्क अभी तो मैंने एक अभी ये वाला, हमने अभी इसी सेशन में हमने लाइव आकर एक पोर्ट्रेट बनाया था जो भी ये इनकम्प्लीट है, अभी आप लोग को मैं लाइव आकर जो भी बताता हूँ तो इसको करने के लिए और भी हमको थोड़ा सा टाइम की हो सकता है, तो अभी हम इसमें भी एक दिन हमारा मूड बनेगा तो मैं बना दूंगा वो, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने लाइव आकर ही इस पोर्ट्रेट को मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं अभी इसमें वर्क अभी बाकी है, लेकिन जैसे ही वर्क ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये वर्क हम आपको पोस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे लाइव पे जाके, हमारे पेज पे जाके। और तो अभी हम इसको ऑयल पेंटिंग बिगिनर के लिए प्लीज बताइए इसी क्लास में, ओके ओके ओके। एक दिन हुआ था क्या कि मैं वैसे ही आया था, ये जो थर्मोकोल के ऊपर स्टोन आर्ट लेकर, तो किसी का कमेंट्स आने लगा था कि बच्चों का आइटम हम सिखा रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा वो लगा कि नहीं हम इस टाइप का लेकर नहीं आएंगे। तो अभी हम आपको जो भी हम बता रहे हैं ये बिल्कुल आसान तरीका वाला है पेंटिंग, वही हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमने जो भी हार्ड जो मटेरियल बनाया था हार्ड, ये वही है, ठीक है, ये भी हमने जो हार्ड बनाया था ये वही है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमको फिलिंग करना है, तो फिलिंग करने के लिए थोड़ा सा ऊपर, इसमें हम इसको फिलिंग करने के लिए और पतला, ये हमने इसमें फेविकोल हमने डाल दिया, ठीक है ये, और जब भी फेविकोल आप डालेंगे, ठीक है, या ये किसी भी प्रकार का पेंट का डब्बा अगर आप खोलते हैं, चाहे वो एनेमल पेंट हो, चाहे एक्रिलिक पेंट हो, चाहे फेविकोल हो, उसके लिए ये आपको मिक्स करना जरूरी है, ये चारों साइड से आपको मिक्स आपको करना जरूरी होता है। वो इसलिए भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई डब्बा जल्दी नहीं खुल पाता है तो ऐसे करने से होता क्या है कि इसके अंदर में एक गैस बन जाता है, गैस, तो वो गैस है ना उसको खोलने में मदद करता है। तो इसलिए आपके पास किसी भी टाइप का हो डब्बा हो जो पैक हो उसको हिला ले, चाहे वो अचार का डब्बा हो, चाहे वो चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे दवा का ही क्यों ना हो, ठीक है,
तो उससे क्या है, ये ढक्कन आपका आसानी से खुल जाएगा, बिल्कुल आसानी से, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है बोतल खोलने के लिए। हम आपको जो भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं वो, क्योंकि हमें आपसे ऐसा कुछ लालच नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, आर्ट के जो अच्छे क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मैं चाहता तो मैं अपने पेज पे आपके लिए ये रेट का इतना है ना, तो आर्ट है वो बेचा नहीं जाता है। हाँ, आर्ट की जो कीमत है, जो आर्ट लवर है वो जानते हैं। ये मार्बल डस्ट है और फेविकोल है, ये देखिए। अब ये जो हम पेस्ट हम जो बना रहे हैं, ये देखिएगा, ये भरने वाला, ये देखिए, ये ऐसे गिर रहा है ना, इससे हार्ड ये नहीं आना है, ये देख सकते हैं, ना हार्ड ना ज़्यादा पतला। अगर इसको ज़्यादा हार्ड अगर करेंगे तो ये सूखने के बाद फट सकता है, तो खैर उसमें भी दिक्कत वाला बात नहीं, अगर वो फट भी जाता है तो उसका एक अच्छा लुक आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक बार और ये देखिए, तो इसमें थोड़ा सा और अपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा हम करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि अगर ज़्यादा इसको अगर पतला लेंगे तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, वो जो थिकनेस है ना वो नहीं आएगा, वो बैठ जाएगा। वो लालच रहा था तो आप फ्री में ये पेंटिंग नहीं सिखाते, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ऑनलाइन कुछ मैं कमाने के लिए आया हूँ वो, लेकिन सस्ते वाला नहीं। ठीक है, हमको स्टूडेंट भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको तो ये बोल ही रहे हैं कि मैंने अपने पेज पे हमने डाला है कि आप हमसे रियलिस्टिक वर्क सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हमने लगाया नहीं है बोर्ड कि आइए इतने में हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि आर्ट को सिखाने के लिए एक वैसा आर्टिस्ट की आवश्यकता होती है जो एक जो पेशेंस लेके अपने स्टूडेंट को अच्छी जानकारी देके उसको सिखा सके। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन जो सिखाने में और ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके बताना बड़ी ही मुश्किल बात है। हम ये भी आपको बोल रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन आया तो हूँ, 12 तारीख से एक हमारी जो है ग्रुप है वो भी चलने वाली है, तो उसके लिए हमको अच्छी तरह से जो भी है प्रिपेयर करना है, और ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया इसको कर लीजिए, आपका फ़ोन आए मैं फ़ोन आपका रिसीव ना करूं, फ़ोन काट दूं, तो ऐसी बातें नहीं। हम पैसे अगर वो लेंगे तो हम आपको अच्छा से सिखाएंगे। और वो भी लॉकडाउन की वजह से हमको आना पड़ा, नहीं तो आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए, लॉकडाउन के बाद हमारा वर्कशॉप हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। अभी मैं ये काम वो भी है, मैं अपने घर से ऑपरेट मैं कर रहा हूँ, मैं लाइव है, मैं घर से आ रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, ये हमारा जो फिलिंग वाला ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। है ना, झूठ बोलकर हमें पैसे वो कमाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमारे आज तक जो भी क्लाइंट बने हुए हैं परमानेंट बने हुए हैं। हैप्पी मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, अपने मम्मी से ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए और उनको काफ़ी प्यार दीजिए।
ये हमारा पेस्ट तैयार है ओके। अब इसको फिर से हम जो बड़े वाला जो कोन है उसमें भरेंगे ठीक है। ये है बड़ा वाला कोन ओके। हाँ ये है कि जब हम ऑनलाइन आए हैं कुछ बता रहे हैं आपको तो इसमें हिडन बातें कुछ भी नहीं होनी चाहिए ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि लोग एक जो क्लास से उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिल भी जाता है तो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है तो इससे हमको ऐसा वो नहीं है। अगर जो कोई टीचर अगर बता रहा है तो उससे ऐसा नहीं है कि उसको जो ज्ञान है उसको घट जाएगा, नहीं, ज्ञान हमारा और बढ़ेगा। तो इसलिए हम अपने अगर कोई अगर ग्रुप बनाते हैं तो मुश्किल से 10-15 अधिक से अधिक 20 इससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए कि हम ऑनलाइन आकर एक ही बार 500 लोगों को हम जोड़ ले तो आप खुद आप सोच लीजिए कि आप अगर कोई टीचर हैं आपके आपके क्लासरूम में अगर अगर एक सेक्शन से ज़्यादा बच्चे आ जाए दो सेक्शन वाले तो जो स्टूडेंट को काबू करना बड़ी मुश्किल होता है। अब जो है 20 स्टूडेंट एक बार आपसे क्वेश्चन करेंगे सर ये चीज़ बताइए, बताना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए लिमिट से स्टूडेंट रखिए, अच्छे से उसको बताइए और दिक्कत ना हो। तो ये मैंने कोन हमने बना लिया है, ये फिलिंग वाला कोन। एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे इसके अंदर में है डस्ट पाउडर, मार्बल डस्ट पाउडर, MR फेविकोल और इसी को मैंने ये बनाया है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा कम, ये देखिए आसानी से आ रहा है ना। अभी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज करके हमारा अब अच्छा अच्छा प्रतिभा जी नमस्कार। हम अभी का मैसेज को ठीक से पढ़ना मुश्किल है, अगर आपका मैसेज ही पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो वर्क है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा हम ये किसी का नाम अगर हम अगर लिए नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा ठीक है। वो क्योंकि ये देखिए हमने जो इसकी कटिंग किया है, ये देखिए इसको हमने ये कटिंग किया है, इतने मोटा आप देख सकते हैं ये। और ये थोड़ा सा हिल के आ रहा है, ये देखिए है ना, ये इतना मोटा ये है ना। तो इतनी आपको ये मोटाई की आपको कटना है, इसी से आपको फिल करना है। अब ये अब हमारे हाथ पे आ गया है तो हाथ तो साफ तो करना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम फेसबुक पे हमको आए हुए मुश्किल से 22 दिन हुआ है और आप सभी लोगों ने हमें इतना अच्छा से हमको फॉलो किया है और हमको माना है कि हमको बेहद ही खुशी मिल रही है।
लाइव आते हुए। अब देखिए, अब इसको हम फिलिंग हम करेंगे, ठीक है। तो फिलिंग करने के लिए आप ध्यान आप दीजिएगा, ये पहले हम इसके इसके साइड में जाएंगे, ये ठीक है, ये देखिए इसके जो लाइन वह है ना साइड का, हम उस पर जाएंगे, ठीक है। एक साइड से पकड़ेंगे और ये देखिए पहले उसके जो लाइन है ना उस लाइन पे ऐसे, और ये मैंने काम जो भी अपना वर्क है मैं अपना काम ऑर्डर पे ही करता हूँ, और ऑर्डर पे ही काम करके मैं लोगों को मैं अपनी पेंटिंग को बेचता हूँ, बनाता हूँ। तो हमने लोगों के लिए अच्छा अच्छा ये पेंटिंग बनाया है, बेचा है, इसमें बहुत से आर्टिस्ट लोग भी हैं, इनको अच्छा काम अगर मार्केट में वो देना है तो हमसे ऑर्डर पे पेंटिंग बनवाते हैं। और आप हमारे YouTube जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको YouTube पे एक से एक जो वीडियो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो भी HD वीडियो, जो अभी जो नया वाला आया ना 4K वीडियो वो देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इस वजह से इसको करना है मुश्किल है वो, लेकिन हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसकी जो सूचना है हमारे चैनल को आपको आसानी से मिल जाए। YouTube चैनल का लिंक हमारे हमारे पेज पे आपको मिल जाएगा, हमारे वहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891338339, एक बार और हम आपको बता रहे हैं 9891338339, 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
ये काफ़ी ओल्ड नंबर है। जब आइडिया कंपनी दिल्ली में आई थी तब से ये नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस पर हमसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। और सर इसको कितने लेयर करना है? इसको इस पे हम ज़्यादा लेयर इस पे नहीं करेंगे, 2 से 3 लेयर करेंगे। अभी जैसे ये सूख जाएगा ना तो इसके ऊपर जो है 1-2 लेयर और हम करेंगे, ये क्योंकि ये छोटी पेंटिंग है। बड़ी पेंटिंग में 3-4 लेयर आप इसको कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वो बोलने को लोग बोल दे कि इस पे 10 लेयर कर दो, 15 लेयर कर दो, तो उससे वो नहीं है, वो पेंटिंग आपकी और भारी हो जाएगी। और वो जब भारी हो जाएगा तो इसकी एक हिडन बातें आपको बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा लेयर आप चढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा वो भारी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो तो आपका है प्लाई बोर्ड है, चाहे वो 12 mm का हो चाहे 24 mm का हो, है तो प्लाई बोर्ड, तो उसको रखे रखे वो बाइंड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। और जब वो एक बार वो मुड़ गया तो उसको उसको को कितना ही तिरछा करके रखिए, चाहे उल्टा करके रखिए, चाहे उसके ऊपर ईंट पत्थर जो आपको रखना है उसको रख के सीधा करने की कोशिश कीजिएगा तो सीधा नहीं होगा। सर लेयर कैसे करते हैं? ये लेयर ही हो रहा है, ये हमारा जो है हमने आउटलाइन जो किया है उस लाइन को हम ये जो पतला वाला से हम फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिलिंग कर रहे हैं। जो मेहंदी का वर्क करते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान काम है, ये बिल्कुल आसान काम है। वो कभी हुआ है कि मैंने भी लोगों को हमने मेहंदी लगाया है, वो लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मेहंदी लगा दो, और ख़ास करके कि कहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं हम किसी शादी में गए और सर एक क्वेश्चन है अपनी पेंटिंग के सेल वैल्यू
कैसे डिसाइड करें अपनी पेंटिंग का। अगर आपकी पेंटिंग में जान है, ठीक है, आपकी पेंटिंग में जान है, वर्क के हिसाब से उसका वैल्यू आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे वैल्यू मिल जाएंगे अगर जान है तो, उसमें वो बात अगर लगती है तो। सर, जयश्री जी कह रही हैं कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर 9891338339। पेंटिंग में आपकी जान है तो आपकी पेंटिंग काफी कीमत में बिक सकती है। सर, फिलिंग में भी सेम मार्बल यूज करना? सेम, इसमें बस दो ही मटेरियल है जो जो उसके लिए एक एक फेविकोल है और एक मार्बल डस्ट है, और इसमें हमने यूज ही नहीं किया है, ठीक है। और ये अभी जो तिरछा ये है, उबड़ खाबड़ है, ये अभी बैठ जाएगा एकदम, वो बराबर हो जाएगा, वो अपनी लेयर पे वो आ जाएगा। अगर बाई चांस अगर आप करते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो हल्का सा फट गया है ना, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा अगर वो फट भी जाता है तो वो जब इसकी कलरिंग करेंगे तो आपको एक एंटिक लुक आपको आएगा। इसकी हम फीलिंग कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा सा बोर्ड को आपके पास हम रख देते हैं। सर, फिलिंग करने के बाद नाहिद जी कह रहे हैं कि फिलिंग करने के बाद डिज़ाइन नज़र नहीं आती। डिज़ाइन, हाँ ये तो है कि अभी ये जो लाइन हम कर रहे हैं, एक मिनट, हमारी कोशिश होती है कि आपको व्यू अच्छे दें, वो लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला फीलिंग हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख तो रहा है, साफ दिख रहा है ना अभी ये। हाँ, वहाँ से वी कैन मेक गुड विथ 2 or 3 क्वालिटी से। हाँ, वो हमारे जो है फ्रेंड है ये निवास, ये इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इस पेंटिंग में अधिक से अधिक 2 or 3 जो लेयर है वही बेटर रहता है, ठीक है। तो अभी हमने इस वाला एरिया में किया है, ठीक है, अभी ये 2-3 पत्ते और हम आपको कर रहे हैं। ये जो मिस्टर जो निवास जी हैं, इन्होंने इस ऐसे पेंटिंग का इजाद किया है भारत में, ये हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग एक साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, उसमें से पतंजलि आश्रम के अंदर में जो बाबा रामदेव हैं, वो जहाँ पे ये आसन जो बना हुआ है उसके जो पिलर है, उस जो पिलर का जो है डिज़ाइन है, हम लोगों ने मिल के उस पर अपना वर्क दिया है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने काम किया है, आज से 10 साल पहले की बात है। तो आप ये देख सकते हैं, हम आपके सामने इसकी फीलिंग हम कर रहे हैं, अगर बाय चांस मैं आज अगर लाइव नहीं आ पाया शाम को, ठीक है, तो कल मॉर्निंग में हम आप लोग के लिए पक्का आएंगे। वो क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल हमको थोड़ा सा देखना है आपके लायक, तो और वैसे भी अभी जो टाइम है थोड़ा सा अधिक हो रहा है, लेकिन एक मिनट, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, मैं जो कर रहा हूँ ना। वीना जी आप नोट कीजिए,
खान सर का व्हाट्सएप नंबर 9891338339। सर पूजा जी कह रही हैं कि आप मॉर्निंग में मत आइए, उनका मन कर रहा है कि आप अभी बनाइए। अभी बनाइए या तो मैं नाइट में आता हूँ, ठीक है? मैं 9 बजे आऊँगा रात को, ठीक है? चलेगा? आप लोग बोलिए। ये प्लीज करके लिख करके बताएं कि नाइट में चलेगा 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद, 8 और 9 के बीच में आऊँगा, और आऊँगा तो मैं एक आपके आपके लिए फेस स्टडी का वर्क लेकर आऊँगा, इसकी फेस को बनाते कैसे हैं, उसकी जो डेफिनेशन किया है, एक एक बारीकियाँ आपको बताएंगे हम। लिख कर बताएं आप प्लीज करके। आंसर आया? लिख कर बताइए कि नाइट में हम आए तो कब आए। तो ये अभी जो हम काम कर रहे हैं रिलीफ पेंटिंग, ठीक है? इसको लोग पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं। जो पर्शियन आर्ट के बारे में आपको बोल रहे हैं कि ये जो पर्शियन है ना, ईरानी चित्रकला, ईरानी चित्रकला को पर्शियन आर्ट बोलते हैं। तो इसकी जो बनावट है ना, ईरानी चित्रकला से ये काफ़ी हद तक ये मिलता है, इसलिए लोग इसको पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो है म्यूरल का ही एक इसको अंश आप इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको लोग अपने अपने अलग अलग नाम से 3D आर्ट बोल दिए। जो है 3D आर्ट किसको बोलते हैं वो हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम में, जो 3D पेंटिंग कैसे बनता है पेंट में वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? ये लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं निभा कैसे रहा हूँ। 11:30 को मैं लाइव आने वाला था, वो लेकिन हुआ क्या कि आंधी आ गई दिल्ली में, इसलिए यहाँ की थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं 1 बजे आया। इसके लिए हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और आपको सॉरी बोलते हैं, ऐसी टेक्निकल दिक्कत आ गई। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप सभी को जो टाइम दें हम उस टाइम पे माने कि हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमने ये चीज़ को इसको फिलिंग मैंने कर दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी ये फिलिंग जब हो जाएगी, इसमें भी आपको एक बात है कि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो काम करने वाले हैं इस आर्ट में, एक बड़ी बात है जो हर कोई को पता नहीं है, वो ये है कि इस आर्ट में एक इसकी जो बनावट है, इसकी जो पत्ते में और जो फ्लावर में एक इसकी जो नाजुकपन है, वो हर बंदे उसको दे नहीं पाते हैं, ठीक है? जो इसकी जो जो होता है नाजुक होता है, जो नाजुकपन होता है, लोग करते क्या है कि पत्ते सीधे बना देंगे, खड़ा बना देंगे, बना देंगे, जो पत्ते पत्ते की तरह आना चाहिए अंदर के पार्ट या हर चीज़, है ना? तो ये जो नाजुकपन आपको जो और लोग बनाते हैं वो दिखा नहीं पाते हैं, वो जो नाजुकपन हम आपको अभी एक फोटो के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नाजुकपन होता क्या है, आप देखेंगे। लाइन पर बने रहिएगा, ये देखिए।
ये देखिए इसमें जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं, इस पत्ते की ये देखिए सुंदरता देखिए कितनी अच्छी है। एक इसमें नाजुकपन है जो ये चीज को करने के लिए कि जो अच्छे आर्टिस्ट है वही इसको अच्छे ढंग से कर पाते हैं, जो और किसी के वर्क में ये वाला मिसिंग रहता ही रहता है कि कहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। ये आइए अब इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी लोग। ये देखिए है ना, इसकी जो नाजुकपन है वो नाजुकपन लोग इसको मिस कर जाते हैं ये। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आपको मार्केट में यही कुछ ड्राइंग जो है आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस ड्राइंग को बनाने वाले हमारे खास मित्र मिस्टर निवास हैं जिन्होंने इस ड्राइंग को बनाया है, और ये बनाने के बाद लोगों ने इतने अपना नाम लिखकर वो लिखकर कि हम फर्स्ट बार लाए हैं, चाहे ऐसा कुछ किए हैं। तो ये काम भारत में जो लाया गया है आज से 14 वर्ष पहले इस काम की शुरुआत हुई थी, जो हमारे मित्र के द्वारा हम साथ में मिलके इस काम को किए। हम जैसे ही लाइव आए कुछ पेंटिंग मैंने इसको अपलोड किया तो लोगों ने ये कमेंट्स करके बताया कि ये पेंटिंग आपने यहाँ पे सीखा वहाँ पे सीखा, तो हमको ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि ये आप देख सकते हैं तो इसकी जो नाजुकपन है वो लोगों में मिसिंग है। कुछ ये पेंटिंग भी आप देख सकते हैं, मेन जो अच्छे कलाकार हैं उसकी जो कलरिंग ही है वही जान होती है, और बाकी ये जो टेक्निक से जो सीखने वाली बात है कोई भी बंदा 2 महीने के अच्छी ट्रेनिंग पे इस काम को अच्छे ढंग से कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा वो कर सकता है। ये है मिरर आर्ट, तो मैं अपने पेज पे जो भी मैंने फोटो अपलोड किया है वो मेरे अपने पेंटिंग है, और हमें किसी का नाम की जरूरत नहीं है, किसी की काम की जरूरत नहीं है, है ना, हमारा जो काम है अच्छा अच्छा करके आपको दिखाना है ताकि आप हमें हमें काम से खुश होकर हमें याद रखें और हमसे हमको ऑर्डर दे या काम दे, है ना। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छा से अच्छा वर्क आपके सामने लाए, लेकिन सच्चाई के सामने। अगर आप बोलेंगे कि मैं बार बार इस आर्टिस्ट का नाम लेके इनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, जो सच है वही बात मैंने आपको बोला है, ये ऐसे पेंटिंग किस आर्टिस्ट ने भारत में इसकी शुरुआत किया था बताना जरूरी है। अगर ये किसी सिंगर ने गाना गा दिया जो है आपको बोल रहे हैं कि मन्ना डे साहब, उन्होंने जो गाना गा दिया जो दूसरे सिंगर है उनका वो गाना वो गा दिया तो उसका गाना नहीं हो जाएगा, वो मन्ना डे साहब का ही गाना होगा। इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे जो भी डिजाइन है इस आर्टिस्ट का बनाया हुआ है, उसके बाद उन्होंने इसको किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, इसके बाद ऐसा कोई आया ही नहीं मार्केट में डिजाइन। अभी वो हमारे लाइव पे आए थे, उन्होंने कमेंट भी किया था, वो स्पेशलिस्ट इस चीज़ में है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, और वो लेकिन लोग ऐसे हैं जो इस काम को बोलते हैं कि हमने इसको भारत में लॉन्च किया है आज से 30 साल पहले 40 साल पहले। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये पेंटिंग का थोड़ा सा लेयर वर्क मैंने किया है, और ये जो ड्राइंग है मैंने इसको आज ही बनाया था आजकल में, और ये हमारा अपना वो है, ठीक है ना। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे ये पेंटिंग इतना अच्छा बनी है ना। और आपको मेरे पास जितने भी टाइप की पेंटिंग होती है किसी भी टाइप का आपको अच्छे ढंग से आपको करके आपको दे सकते हैं, तो आप
ये देखिए अभी थोड़ा सा ये गीला है, ये नीचे आ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर लेते हैं। और ये शाम के टाइम में हम आपके लिए, शाम के टाइम में आपके लिए हम फेस स्टडी का वर्क हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि उसमें जो फेस बनाया कैसे जाता है वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ऐसे वर्क में आपके सामने मैं हमेशा लेकर आते रहूँगा, आप हमारे लाइव पे ऐसे ही आप लोग आते रहिए, ठीक है, और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिए, ताकि आपको नए नए जो टेक्निक है। बस अभी दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मेरे पास अभी मटेरियल नहीं है, जब मटेरियल नहीं है तो थोड़ा सा करने में दिक्कत है, और हमारा वर्कशॉप है वो भी बंद है, तो वहाँ पर अभी हम आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम आपके पास एक से एक जो टेक्निक आज तक मैंने जो सीखा है हम आप तक आपको बताएंगे। हमारा YouTube जो चैनल है उसको आप जितना जल्दी हो वहाँ पे जाइए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बगल में जो घंटा है उसको भी आप दबा के आइएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए ये मिलेगा। और आप हमारे लाइव पे आइए तो वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके दबा के कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।